आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, प्रकृति ने हमें कई पेड़ पौधे दिए हैं। आज जो ऐसी एक वनस्पति के बारे में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, ये वनस्पति यानी कि हम इसे एक खड़पतवार या तो घास के रूप में देखते हैं, और बारिश के बाद या तो नमी वाली जगहों पर ये अपने आप प्लांट है वो ग्रो होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये प्लांट पूरे भारत भर में ज़्यादातर क्षेत्रों में देखा जाता है, जैसे कि सड़क के किनारे, जंगली झाड़ी वाले इलाकों में या तो खुले मैदानों में। इस प्लांट को ज़्यादातर क्षेत्रों में गाजर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ प्रदेशों में इसे अलग नाम से भी जाना जाता हो। दोस्तों, ये प्लांट पत्ते से एक गाजर का जैसे प्लांट होता है, उसके पत्तियों की जैसी इसकी भी पत्तियों है, तो शायद इसलिए ही इसका नाम है वो गाजर घास से ये जाना जाता होगा। इस पौधे की स्टेम्प मीडियम थिकनेस वाली और पतली होती है। इसकी हाइट दोस्तों 2 से 3 फीट तक जा सकती है। बिना केयर के उगने वाली ये वनस्पति खेत पैदाशों में अवरोध करती होने के कारण इसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये एक वनस्पति नुकसानकारक खरपतवार है, और इस घास को ख़त्म करने के लिए कई तरीके का आजमाइश किया जाता है, यानी कि अलग अलग नुस्खे हो प्रयोग इसमें किए जाते हैं कि ये वनस्पति है वो नाश हो जाए। वैसे इसके पत्तों को मसला जाए दोस्तों तो एक अलग प्रकार की खुशबू आती है। ऐसा माना जाता है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। वैसे प्रकृति में कुछ बेकार नहीं होता है, कुछ ना कुछ फायदे नुकसान जरूर होते हैं। हर एक प्लांट का अपना अपना एक नेचर होता है, पर इसका सही इस्तेमाल हमें आना चाहिए दोस्तों। निस्संदेह ये खरपतवार बारिश के बाद फैलती ज़्यादा है, तो कुछ प्लांट या तो खेत पैदाशों के लिए नुकसानकारक हो सकती है, पर इसे एक ऑर्गेनिक कीटनाशक या तो जीवाणुनाशक दवाइयों में बनाकर इसका यूज़ किया जा सकता है, या तो कोई कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है दोस्तों, या तो बायोगैस में गोबर के साथ भी मिलाया जा सकता है। और ऐसा भी सुना है कि इसका यूज कुछ आयुर्वेदिक में भी किया जा सकता है, तो ये एक चिकित्सक का विषय है। पर इस प्लांट को पशु भी नहीं खाते हैं दोस्तों। इसमें लगे वाइट कलर के फूल छोटे छोटे होते हैं, इसमें कोई खास सुगंध नहीं होती इसके फ्लावर में। वही एक बार ग्रो हो जाए दोस्तों तो बहुत ही तेज़ी से ये प्लांट है वो फैलता जाता है, और इसकी लाइफ साइकिल दोस्तों तकरीबन 4 मंथ के करीब होती है। फिर अगली सीजन में इसके सीड है वो नीचे गिर जाते हैं, तो कुछ पानी वाली या तो नमी वाली जगह पर हो तो फिर से ग्रो हो जाते हैं। उसको इतना हम काबू में ले सके ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे इसका नियंत्रण बना रहे। इसके प्लांट से दोस्तों हजारों की संख्या में बीज है वो पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें बीज पैदा करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। यही कारण से ये तेज़ी से फैलने की ताकत रखता है, और 100 साल में दोस्तों ये तकरीबन 3 से 4 लाइफ साइकिल है वो पूरा करता है। कुछ ना कुछ फसलों में जरूरी ये नुकसानकारक करता है, या तो मिट्टी की कुछ न्यूट्रिशन है उसमें कमी खड़ी कर देता है। तो गाजर प्लांट के बारे में दोस्तों आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल चुकी होगी। नेचर से जुड़े रहिए, ऐसी नई नई टॉपिक से हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ऐसी कुछ नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।